everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are on the fourth question of exercise 5.1. So बहुत सारे हमारे पास इसमें parts हैं. फटाफट से start कर लेते हैं. Question 4 says which of the following are APs? हमें बताना है कि AP है या नहीं. If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. तो अगर तो AP है तो common difference तो obviously हम निकालेंगे तभी पता चलेगा AP है या नहीं. And अगर AP होगा तो उसकी next 3 terms भी हमें निकालनी है. तो चलो जी आ जाते हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो इसमें चेक करते हैं कि एपी है या नहीं. 2, 4, 8, 16. तो एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा डी. अगर आपके पास डी सेम आ रहा है तो मतलब वो एपी है, अदरवाइज नहीं. तो पहले कर लेते हैं ए टू में से ए वन माइनस करते हैं और ए थ्री में से ए टू माइनस करते हैं. दोनों सेम आएगा तो एपी होगी, अदरवाइज नहीं. तो ये हो गया 4 माइनस 2, 2 आ गया. ए थ्री क्या है, 8 माइनस 4. नो, 8 माइनस 4 इज 4. So that means this is not equal. So it is not forming an AP. So it is not an AP. ठीक है, तो ये question number 4 का first part. अब AP नहीं है तो obviously next terms निकालने की जरूरत नहीं है. Next part पे आते हैं. Second part है हमारे पास. Now the second part says 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 2. तो पहले तो इसका common difference निकाल के देखते हैं. सबसे पहले we'll start with A2 में से A1 minus करना, मतलब 5 upon 2 minus 2. सो ये आ गया एलसीएम 2, ये हो गया 5 माइनस 2, 2 इज 4, 5 माइनस 4 इज 1. सो 1 अपॉन 2 आ गया. एक और चेक कर लेते हैं हम. ए थ्री में से ए टू माइनस करते हैं तो ए थ्री है हमारा 3 माइनस 5 अपॉन 2. सो अगेन एलसीएम लिया, ये आ गया 6 माइनस 5, 1 अपॉन 2. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी हमारा दोनों सिचुएशन में 1 अपॉन 2 आ रहा है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो गया. तो अब हमें क्योंकि कॉमन डिफरेंस मिल गया है दैट इज 1 अपॉन 2, तो अब हमें निकालनी है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स. सो लेट्स फाइंड दैट. चलो जी लास्ट क्या दे रखी है, 7 अपॉन 2. तो 7 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, 7 प्लस 1. सो ये हमारे पास आ गया 8 अपॉन 2. सिमिलरली 8 अपॉन 2 की नेक्स्ट टर्म प्लस कर देंगे अगेन 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 अपॉन 2. दिस इज गोइंग टू बी 9 अपॉन 2. एंड ऑल्सो इसको ऐसे भी कट करके भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4, ये तो 9 अपॉन 2 ही रहेगा. सो 9 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 हमारा हो जाएगा 10 अपॉन 2, विच कैन अगेन बी रिटन एज 5. ठीक है, तो आगे की टर्म्स क्या मिली है हमें, 7 अपॉन 2 के बाद आएगा 4, देन वी हैव 9 अपॉन 2 एंड देन वी हैव 5 एंड सो ऑन. 3 टर्म्स ही हमें बतानी थी. अगेन इसमें भी वो चीज़ हो जाएगी कि आप काउंट कर लो 1, 2, 3, 4. 4 टर्म तक दे रखा है, हमें निकालनी है 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म. तो चाहो तो अपना पूरा फॉर्मूला लगा लो भाई. A5 है, A5 मतलब A+4D. ये होता है ना फॉर्मूला. एक मैं करके दिखा देती हूँ कि अगर आपको इस तरीके से भी करना हो तो आपको आ जाए. अब A+4D है तो A क्या है, 2 है, प्लस 4D कितना है, 1 अपॉन 2. जरा देखो ये क्या आएगा, 2 प्लस ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, 2 प्लस 2 इज 4. और यही हमने उस तरीके से भी ऐसे ही निकाला. ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो. लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए चलो, या फिर ये A5, A6, A7 का अपना फॉर्मूला बना के वैसे भी कर सकते हो. तो ये सेकेंड पार्ट था. थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2. पहले तो चेक करते हैं एपी है या नहीं. सो A2 में से A1 माइनस करते हैं, मतलब -3.2 में से माइनस कर दो -1.2. सो ये आ जाएगा हमारा -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, प्लस माइनस माइनस. तो इसमें से माइनस करो, 2 में से 2 गया 0 एंड 3 में से 1 गया 2. सो साइन आएगा माइनस का, तो हमारे पास आया है ये -2. एक और उसमें चेक कर लेते हैं. सो देख लेते हैं अब हम A3 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं. थर्ड टर्म क्या है, -5.2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, -3.2. ठीक है जी. सो ये आ गया -5.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3.2, अगेन प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का ही आएगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2. सो क्या आया हमारे पास, -2, मतलब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस सेम है. सो विच मीन्स डी की वैल्यू आ गई -2. ठीक है, एंड क्योंकि ये सेम है दैट मीन्स इट इज एन AP. और अगर ये AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेक्स्ट 3
टर्म्स निकालनी है. सो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, माइनस 7.2. इसमें प्लस कर दो, डी कितना निकाला है हमने, माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 7.2 प्लस माइनस, सॉरी माइनस ही रहेगा. सो प्लस माइनस, अरे इसको रब करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2. सो माइनस माइनस प्लस 7, 8, 9. सो ये हो गया 9.2, लेकिन साइन माइनस का. नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, माइनस 9.2 आ गया, प्लस करना है हमें माइनस 2. कॉमन डिफरेंस अपना ऐड करते हुए चलेंगे ना. सो माइनस 9.2 प्लस माइनस 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 प्लस 9 में से सॉरी माइनस माइनस प्लस 9, 10, 11. सो ये आ गया 11.2, लेकिन माइनस का. सिमिलरली एक टर्म और निकालनी है, माइनस 11.2 प्लस माइनस 2. सो ये आ गया हमारे पास माइनस 11.2 प्लस माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये 11 प्लस 2 हो जाएगा 13.2, लेकिन माइनस का. तो अब इसके आगे की टर्म्स देख लेते हैं. 7.2 के बाद आएगा माइनस 9.2, देन माइनस 11.2, देन माइनस 13.2 एंड सो ऑन. लेकिन हमें सिर्फ तीन टर्म्स ही निकालनी है, ठीक है जी. सो ये थर्ड पार्ट था. फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं. फोर्थ पार्ट है माइनस 10, माइनस 6, माइनस 2, 2. सो हमें पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं. कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, माइनस 6 माइनस माइनस 10. तो ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया 4. एक और चेक करेंगे. सो ये A3 में से जरा A2 माइनस करके देख लो. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये ही आप करो, 2 में से भी इसको करके देख सकते हो. एक ही बात है, बस कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेना. माइनस 6 A3, अच्छा A1, 2, 3, A3 है माइनस 2. सो फिर से लिख लेते हैं इसको. हाँ, A3 है हमारा माइनस 2, माइनस A2 क्या है माइनस 6. सो ये आ गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4. सो आप देख सकते हो दोनों में 4 आ रहे हैं. दैट मींस डी हमारा हो गया 4. अब डी हमारे पास आ गया नेक्स्ट, मतलब ये एपी है पहली बात तो, क्योंकि दोनों का सेम आया है. ऑल्सो डी हमारे पास आ गया, तो नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं. लास्ट यहाँ पे टर्म है 2, प्लस कर दो 4, 4, 5, 6 हो गया. सिमिलरली अब लास्ट टर्म होगी 6, प्लस 4 कर दो 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 10 हो गया. अब 10 है, अगेन प्लस 4 कर दोगे तो इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स मिली. ऑल्सो क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा लग रहा है, हो सकता है आपकी स्कूल टीचर जो भी जैसे भी आपको करा रही हो वो बताएंगे कि भैया ऐसे नहीं, आपको पूरा फॉर्मूला लगा के करना है, ज्यादा मार्क का आ सकता है. तो उससे भी सेम ही होगा इस वाली सिचुएशन, क्योंकि सिंपल से मैं करके भी दिखा देती हूँ. देखो 1, 2, 3, 4, 4 टर्म्स है हमारे पास. फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है और सेवन्थ, तीन टर्म्स निकालनी है ना आगे की. सो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 4d, ठीक है. सिक्स टर्म होता है ए प्लस 5d, सेवन्थ टर्म होगा ए प्लस 6d, ठीक है. वैल्यूज पुट करेंगे, ए हमारा क्या है माइनस 10 प्लस 4, डी क्या है 4. सो ये हो गया माइनस 10 प्लस 4, 4 16, प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 माइनस किया 6, और बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा. सिमिलरली ए माइनस 10 प्लस 5d निकाला हमने 4, सो ये हो गया माइनस 10 प्लस 5, 4, 20, प्लस माइनस माइनस 10 आ गया, ठीक है जी. लास्ट ए क्या है, 2 है, सॉरी माइनस 10 है. सो माइनस 10 प्लस 6d क्या है 4, सो ये हो गया माइनस 10 प्लस 6, 4, 24 में से 10 माइनस करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है जी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से किया था, तब भी 6, 10, 14, 6, 10, 14. तो इसके आगे की टर्म्स हो गई 6, 10, 14 एंड सो ऑन, ठीक है. सो ये तरीका भी आना चाहिए. एंड आप ये कर सकते हो कि भैया एग्जाम में अच्छे से दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आप इसी तरीके से करो, एंड रफ में अपना चेक करने के लिए आप ऐसे कर लो कि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ सही किया, ठीक है. तो चलो अब आगे वाले हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही करते, ताकि एग्जाम में अगर आपको, ये तो ईजी है ही, अगर एग्जाम में इस तरीके से करना चाहो तो आपको आता हो ये मेथड. चलो फिफ्थ पार्ट है हमारा, थ्री नेक्स्ट है, 3 प्लस √2, देन है 3 प्लस 2√2 एंड देन 3 प्लस 3√2. सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चेक करना है एपी बन भी रहा है या नहीं. सो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा √2. अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके देख लेते हैं. थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2,
ठीक है। अच्छा ये ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि माइनस है ना, साइन दोनों के चेंज होंगे, हो गया टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू। अब यहाँ पे देखो थ्री से थ्री अगेन कैंसिल, टू में से वन गया वन, सो हमारे पास बचा रूट टू। अब देख लो दोनों में हमारे पास रूट टू आया, इसका मतलब डी इक्वल्स टू हो गया रूट टू। क्लियर। अब यहाँ पे अगेन हमें कौन सी आगे की तीन टर्म्स निकालनी है, सो वन टू थ्री फोर टर्म्स ऑलरेडी हैं, मतलब फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। सो ऑल्सो मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगी जैसे मैं अभी लास्ट पार्ट में कह रही थी। सो फिफ्थ टर्म होता है a प्लस फोर डी, सो a की वैल्यू क्या है थ्री प्लस फोर, डी हमने निकाला रूट टू, तो ये हो गया थ्री प्लस फोर रूट टू। ठीक है जी। सिक्स्थ निकालना है मतलब a प्लस फाइव डी, सो a है हमारा थ्री प्लस फाइव, डी की वैल्यू रूट टू निकाली है हमने, तो ये हो गया थ्री प्लस फाइव रूट टू। सिमिलरली सेवेंथ टर्म हो गई हमारी a प्लस सिक्स डी, सो a है थ्री प्लस सिक्स डी इज रूट टू, तो ये आ गया थ्री प्लस सिक्स रूट टू। क्लियर है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल दी, ऑल्सो जैसे पहले कर रहे थे अगर वैसे ही करते तो लास्ट टर्म लिखते हैं हम थ्री प्लस थ्री रूट टू, इसमें प्लस करना है रूट टू, डी प्लस करते हैं ना, तो रूट टू ये हो जाता है थ्री प्लस फोर रूट टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से होता है। अगेन मैं कह रही हूँ आप इस तरीके से करो, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये एग्जाम में भी लिखने में प्रेजेंट करने में अच्छा लगेगा। ये आप रख लो कि हमें चेक करने के लिए कि सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो इसके आगे की टर्म हो गई थ्री प्लस फोर रूट टू, थ्री प्लस फाइव रूट टू एंड थ्री प्लस सिक्स रूट टू। फिफ्थ पार्ट था ये, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। 0.2, 0.22, 0.2, 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
ए टू है 0.22 - 0.2। अच्छा ये देख लो, डेसिमल में कभी कभी ना एक मिस्टेक हो जाती है, 0.22 में से अगर आपको 0.2 माइनस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है और यहाँ पे पीछे कितनी भी जीरो लगा सकते हो आप, तो ये हो गया 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, ये आ गया 0.02, सो ये आया 0.02। अब चेक करते हैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके, थर्ड टर्म है 0.222 - 0.22, सो देखो जरा 0.222, इसमें से माइनस करना है 0.22, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 ये आ गया 0.002, सो यू कैन सी दिस इज 0.02 एंड ये 0.0002 है, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, और अगर एपी नहीं है तो आगे हमें कुछ टर्म्स निकालनी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेवेंथ पार्ट में है 0 - 4 - 8 - 12, पहले चेक कर लें ये एपी है या नहीं, सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, सो ए टू है -4 - a1 है 0 ही है, तो ये तो -4 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ए थ्री में से ए टू माइनस करते हैं, मतलब -8 - -4, सो ये हो गया -8 - -4। नाउ प्लस माइनस माइनस अगेन, 8 में से 4 गया 4, लेकिन बड़े वाले से माइनस का साइन है तो -4, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में हमारा सेम आ रहा है, मतलब d इक्वल्स टू हो गया -4, ठीक है। ऑल्सो दिस इज एन एपी क्योंकि कॉमन डिफरेंस आया भैया, तो नेक्स्ट टर्म निकाल लिया 1, 2, 3, 4, अगेन 4 टर्म्स हैं, फिफ्थ टर्म निकालनी है हमें, सिक्स्थ टर्म निकालनी है एंड सेवेंथ टर्म, तो फिफ्थ टर्म हो गई a प्लस 4d, सिक्स टर्म होगी a प्लस 5d एंड इसको भी जरा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, सेवेंथ टर्म होगी a प्लस 6d, क्लियर। सो a क्या है 0 + 4, d हमने निकाला -4, सो ये हो गया 4 4 = 16 प्लस माइनस माइनस, अगेन a 0 + 5, d क्या है -4, 5 4 = 20 माइनस का -20 हो गया, ये हो गया 0 + 6, d कितना है -4, 6 4 = 24 माइनस का, सो नेक्स्ट इसके आगे की टर्म्स होंगी -12 के बाद -16 -20 एंड -24, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट से इज -1 अपॉन, अरे तो बड़ा सिंपल सा है, सारी टर्म्स ही सेम है, सो
डी क्या होगा? सब में ऑब्वियसली जीरो ही आता रहेगा, अब इसमें से इसको माइनस करोगे जीरो, इसमें से इसको माइनस करोगे जीरो ही आता रहेगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी जो लिखनी है वो भी बहुत ईजी है, जब सारी टर्म्स सेम ही है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन अपॉन टू ही रहेगी, करेक्ट। सो ये था हमारा एट्थ पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वी विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।